गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मैवरिक गौरव। हाउ आर यू? एंड मैं अभी आया था अपने मार्केट, हमारे ठेकेदार हैं, उनको कहीं और कुछ सामान भेजना था, तो उनके एक लेबर हैं वो आए थे, तो मैं घर पे था, सोया हुआ था लेट तक, तो वो आया तो पता चला था कि सामान देने जाना है, तो मैं यहाँ पे आया। वैसे ही मुझे खबर होती है कि मतलब ब्लड ग्रुप जो है उसको टेस्ट करवाना है। ब्लड ग्रुप मैंने पहले टेस्ट करवाया था, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो मेरे पास नहीं है, तो फिर से कराना पड़ रहा है। और उसके लिए एक भैया हैं जो आए हैं ब्लड लेने के लिए, तो चलिए ब्लड लेते हैं और पता करते हैं कि क्या है अपना ब्लड ग्रुप। और वैसे आज मुझे जाना है यूनिवर्सिटी ड्रेस लेने के लिए, तो और बाकी चलिए खून देते हैं अभी। ऐसे हम कोरोना का सुई अभी तुरंत लिए, उससे कोई असर नहीं है? कोरोना है इसे ग्रुप के की लेना देना क्या है? मेरे मेरा खून चला गया। हाँ 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 कोई है मेरे सो गाइस, अभी मैं गया था बियर्ड ट्रिम करवाने, सेट करवाने, और हेयर भी सेट करवाया मैंने। जस्ट मैं सराय गया था, जैसा कि आपको पता है, जो मेरे घर से एकदम नियरेस्ट जो अच्छा मार्केट है वहाँ पे किसी काम से, और फिर अभी जस्ट वापस आया। अभी खाना खा के मैं निकलूँगा यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ पे ड्रेस लेना है हमें। काफ़ी दिनों से उन लोगों ने बोल रखा है, लेकिन अपने आलस के कारण हम लोग नहीं जा पा रहे थे। हालाँकि मेरी दोस्त जो स्नेहा है उसने बोला था कि हम लोग आएंगे, साथ में आएंगे, ले लेंगे, लेकिन उन लोगों ने पहले ले लिया और मैं नहीं ले पाया, तो अभी मैं जाऊंगा बिकॉज ऑफ पूजा मैं नहीं ले पाया, तो मैं अभी जाऊंगा और ड्रेस लूंगा। सो गाइस, अभी मैं सराय में हूँ और ऑटो में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास बैग है, इसी में लाऊंगा ड्रेस रख के। और एक्चुअली हुआ कि मेरा पेमेंट करने वाला जो रिसीट था वो नहीं मिल रहा था, हालांकि उसका फ़ोटो है, अब देखते हैं क्या मिल पाता है कि नहीं ड्रेस। लेकिन अभी जाएंगे तो ड्रेस क्या कैसा है वो देखना पड़ेगा। गाइस, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और अभी ड्रेस के लिए मिल रहा हूँ, सुजीत जी करके खाएँ, उनसे मिलूँगा। सो गाइस, जो ये था कंफर्मेशन तो हो गया कि मेरा ड्रेस आ चुका है और वही ड्रेस मिलेगा। सो फिलहाल हमें 5-10 मिनट वेट करने को बोला गया, तो अभी मैं ग्राउंड में हूँ, वेट कर रहा हूँ, ड्रेस मिल जाता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो अपना मिल चुका है और अभी देखते हैं कि क्या क्या है। तो तो ये अनबॉक्सिंग है, ये रहा ब्लेजर, टाई रहा हमारा, ये रहा पैंट और ये रहा अपना शर्ट। तो 1, 2, 3, 4 चीज हमने लिया था। ठीक, गाइज मेरे पीछे ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा बच्चों का ड्रेस है। हमारी क्लासमेट से आपका नाम बताइए। तनुप्रिया। चेहरा दिखाओ। और वो आपका? पूनम कुमारी। सो ये लोग भी किसी काम से ही आए हैं यूनिवर्सिटी, तो अभी हम मिले हम लोग, अभी पता करते एग्जाम का क्या कैसा डेट वगैरह है। जैसा कि हमें पता चला कि अभी तक कोई नोटिस नहीं है एग्जाम का, तो एग्ज़ाम का जो नोटिस आएगा तब हम लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी मैनेजमेंट के पास भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाइज, मैं सराय से अपने घर वाले रास्ते में एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डिस्टेंस है और इतना दूर मैं पैदल जाऊँगा। मैं जब पटना था तो
चार पाँच किलोमीटर में चल लेता था पैदल, जो कि काफ़ी मतलब ज़रूरत होता है उसका। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे था तो सारी आदत एक महीने से छूटी हुई थी, तो वही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना दूरी है। गाइस ये जो धरहारा लिखा हुआ है वो मेरा गांव है, मतलब अर्रा धरहारा के बीच में है, देख सकते हो। तो अभी मुझे समझो तो 4-5 किलोमीटर अभी पैदल चलना है। काफ़ी दिन हो चुके हैं पैदल चले हुए, तो अभी पैदल जाके फिर मार्केट पर जाना है और वहीं पे काम हो रहा है तो वहीं पे जाना। मैं अभी बस जस्ट पहुंचने ही वाला हूँ घर पे, और काफ़ी अच्छा लगा बहुत दिन चल के, और अभी फिर घर जाके फिर मार्केट पे जाऊंगा। अब गाइज अभी जस्ट घर पहुंचा और अभी थोड़ी देर में मतलब वही 10 मिनट में मम्मी का कॉल आएगा, तो मम्मी को स्कूल से लाने जाना है और उसके बाद फिर कहीं और भी जाने का प्लान है, तो वो अगर हो पाता है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम कहीं जा रहे हैं तो वही अभी सराय में है, मिठाई के दुकान से कुछ मिठाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, और चलिए किसी से मिलवाते हैं आप लोगों को। मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त है और वो कहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं इतनी रात को, मैं वो बताऊँगा, वो काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को, और कुछ और थोड़ा बहुत राज जो है मैं बताऊँगा। नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग हमारे मामा जी से, और ये है ओम जी, और इनके इनसे मिलते हैं, पहले इनसे मिल लेते हैं। हाय कीजिए मामा जी। मिलाते हैं हमको, आप अपने लोग ही तो रोज आते हैं अपने ब्लॉग्स में। लास्ट वीडियो में हम भी थे ना। हाँ लास्ट कुटुम। इनकी बहन की शादी हमने कराई थी अपने मामा जी से, और ये हमारे परम मित्र हैं जो हमारे साथ बहुत मतलब पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले मतलब कह सकते हैं। नहीं नहीं नमस्ते, बैठिए खुश रहिए। तो ये हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ चुके हैं, मतलब जुड़े हुए हैं हमें लगता है कि हमारे स्कूलिंग डेज से, और इन्हीं से मैं मिलाने की बात आप लोगों को कर रहा था। शादी टाइम में मैं मिला नहीं पाया था क्योंकि वहाँ उस टाइम कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई थी कि उस टाइम मैंने ब्लॉग बनाना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, और यही है। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे ओम जी, बोलिए कुछ। हम क्या कहें, हाँ बताइए आप कैसे हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। जी, और ये थोड़े बच्चे टाइप के हैं, थोड़े रूठ जाते हैं हमसे, तो अभी इनसे बात वगैरह करते हैं। तो यही था आज का दिन मैं आपको दिखाया, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बोलो ओम जी, बाय।